गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व मौके संगत को तोहफा दिंदिया पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत कर दी। अमृतसर तो श्री हजूर साहब के लिए ट्रेन रवाना हुई। इस मौके मुख्यमंत्री मान ने कहा कि 13 ट्रेन तीर्थ यात्रा के उल ही असं एसी बसा भी चला रहे हैं। यात्रा दौरान संगत के रहने के लिए भी विशेष इंतजाम किया गया। धूरी के रैली में संबोधन करते हुए सीएम मान ने कहा कि साढ़े लिए पुन का काम करने के लिए अज का वड्डा दिन है। उन्होंने दसिया कि यात्रा से जाने के फार्म किसी तो भी जात धर्म बारे नहीं पूछा जा रहा। इस ही अज तो आटा दाल की डोर स्टैप डिलीवरी भी शुरू हो गई है। सीएम बोले कि असी परिवारों बारे नहीं पंजाब बारे सोचते हैं। उत्थी केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक एक पैसा लोगों पर खर्च रही। बल्कि तो शुरू होने जा रहे 2 दिन के सैशन को लेकर विरोधी धिर आगू प्रताप बाजवा ने सवाल चुके हैं। बाजवा ने कहा कि 2 दिन का सैशन सिर्फ फॉरमैलिटी है। उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिख के 10 दिन के सैशन की मांग की। बाजवा ने मांग की कि विधानसभा के विस्तारियों को समा दिता जाए, उत्थी 10 अहम मुद्दों के उत्ते चर्चा की जाए। बाजवा ने सैशन का टेलीकास्ट पारदर्शिता के नाल किए जाने की मांग भी की। दूजे पासे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी प्रताप बाजवा से तंज कसिया। उन्होंने कहा कि पहला तो विधानसभा का सैशन लाइव आता ही नहीं। सीएम ने कहा कि बाजवा सदन के कुछ बोलते नहीं, नारेबाजी करके सदन तो बाहर चले जाते हैं। हाई कोर्ट जाके कह रहे हैं कि कैमरे च मैनू दिखाते हैं। इस तो अलावा उन्होंने कहा कि जब 1 नवंबर में विरोधियों को बहस के लिए सद्या उस वे तो कोई पहुंचा नहीं। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर के उत्ते बीते कल तो किसानों का धरना जारी है, जिसकी वजह नाल गवर्नर ने किसानों मुलाकात का समा दिता है। बल्कि 11 बजे किसानों का वफद गवर्नर के नाल मुलाकात करेगा। दस दिए कि पंजाब भर तो वड्डी गिणती च ट्रैक्टर ट्राली लैके किसान चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर के उत्ते पहुंचे ने ते जगतपुरा मोहाली फेज 11 के विच धरना उन्होंने वालों लगाया। अमेरिका के भारतीय सफीर तरनजीत सिंह संधू के नाल बदसलूकी का मामला सामने आया। गुरपुरब के मौके तरनजीत सिंह संधू न्यूयॉर्क के गुरुद्वारा साहब पहुंचे सन, जिथे कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने उन्होंने घेरिया। हरदीप सिंह निज्जर कतलकांड को लेकर सवाल पूछे। खालिस्तानी समर्थकों ने उन्होंने निज्जर कतलकांड के लिए जिम्मेवार दसिया। दस दिए कि अमेरिका के भारतीय राजदूत संधू न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के हिक्सविले के गुरुद्वारा साहब अरदास करन पहुंचे सन। यूके के सिख एमपी तनमनजीत सिंह ढेसी मिल रही धमकियों का श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार के वालों निखेधी की गई है। उन्होंने कहा कि तनमनजीत सिंह ढेसी वर्गे सिखां ते पूरी कौम नूं माण है, जिहड़े हमेशा दलेरी ते निडरता दे नाल मनुखी अधिकारां दी आवाज़ बुलंद करते हैं। जथेदार ने कहा कि गाजा इजराइल विचाले जंग दौरान हजारां बेकसूर नागरिकां ते निक्के निक्के बच्चियां दीआं दर्दनाक मौतां ते आधा नारा मारना हिंसा दीआं हिमायती ताकतां नूं रास नहीं आ। गिप्पी गरेवाल तो बाद हुण पंजाबी गायक अली मांगट भी गैंगस्टर की रडार के उत्ते है। इस गल का खुलासा दिल्ली पुलिस के वालों गिरफ्तार किए गए अतवादी अर्श डालर के 2 शूटर के वालों किया गया। शूटर राजप्रीत राजा ते वरिंदर सिंह मिम्मी ने दसिया कि उन्होंने अर्श डालर के वालों ही हमले की जिम्मेवारी मिली थी। इना ही नहीं, शूटर ने यह भी दसिया कि इसे साल अक्टूबर के भी अली मांगट के घर के उत्ते हमले की नाकाम कोशिश हुई। उत्तर प्रदेश एंटी टैररिस्ट स्क्वाड ने बठिंडा कैंट के जासूसी करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जो कि बठिंडा कैंट के टैंकों की जासूसी करते सन। मुलजमान से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI दिल्ली जासूसी करने के इल्जाम लगे ने। मुलजम भारतीय टैंकों की जानकारी ISI को भेज रहे सन। दस दिए कि एक मुलजम का नाम अमृतपाल है, जो बठिंडा के रामपुरा फूल का रहने वाला दसया जा रहा है, जबकि दूजा है यूपी का नाम है रियाजुद्दीन। मनाली में एक पंजाबी नौजवान का बेरहमी के कतल कर दिया गया। मृतक नौजवान मोगा के पिंड रोडे का रहने वाला था, जिसनों की अणपछात्या ने गोलियां मार दित्तियां। नौजवान रोजी रोटी की भाल के 4 साल पहला मनीला गया सी, जिसने अगले महीने पिंड आना सी। परिवार च मातम फसे है ते नौजवान की मृतक दे जल्द भारत लियाउण दे लई सरकार नूं अपील की जा रही। ब्रिटेन के 78 साल भारतीय सिख बजुर्ग औरत लंबे समय तो डिपोटेशन का सामना कर रही है। होम ऑफिस ने गुरमीत कौर की स्टे की अपील रद्द कर दी, पर सिख कौम तो उन्होंने वड्डा समर्थन मिल रहा है। हुण तक उन्होंने डिपोटेशन रोकने के लिए 65,000 लोगों ने सिग्नेचर मुहिम च हिस्सा लिया। नाल ही वी ऑल आर गुरमीत कौर भी सोशल मीडिया के उत्ते ट्रेंड कर। लुधियाना के माता राणी चौक के भी गुंडागर्दी तस्वीर देखने को मिली। बेकरी की दुकान के उत्ते तेजतर हथियारों के नाल हमला कर दिया गया, समान की भन तोड़ की गई। दुकान के शीशे तोड़ के बदमाश फरार हो गए। दसया जा रहा है कि कुछ दिन पहला इन्हों बदमाशों की दुकानदार के नाल बहसबाजी हुई थी, जिसकी रंजिश की वजह नाल हमला किया गया। दुकानदार के वालों दोषियों से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही। जलंधर के बीते दिन एक शख्स की लाश खेतों के बरामद हुई थी, जिसके उत्ते कार्रवाई करदिया गुराया पुलिस ने कतल मामले की गुत्थी सुलझा लिया।
पुलिस जांच दे विच पता लग्या कि मृतक हरीश चंद्र दे अपने अपनी एक गुआंढल दे नाल नजायज संबंध सन, पर गुआंढण ने अपने नवे प्रेमी संचित दे नाल मिलके प्लानिंग बनाई ते हरीश चंद्र नूं मौत दे घाट उतार दिता। पुलिस ने मुलजम महिला नूं कोर्ट दे विच पेश करके 5 दिन दा रिमांड लै लिया। हरियाणा की 106 साल बेबे ने नवा रिकॉर्ड बनाया। पंचकूला 32वीं एथलैटिक्स प्रतियोगिता इस बेबे ने हिस्सा लिया ते 45.47 सैकेंड 100 मीटर की दौड़ पूरी की। इस सुपर बेबे रामबाई ने 105 साल मान कौर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिता है। उन्होंने घर के दुध दही ते घ्यो नूं सेहत दा राज दस्सिया। तरन तारण के पिंड मियां मिंड के 31 साल हरभेज सिंह की बीते दिन कैनेडा के हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्हों की मृतक देह पिंड पहुंची, जिथे परिवार ने नम अखां दे नाल अपने बेटे नूं अंतिम विदाई दी। परिवार ने दस्सिया कि हरभेज सिंह 7 महीने पहला ही कैनेडा गया सी। उत्थे परिवार ने कैनेडा च हार्ट अटैक कारण हो रही लगातार मौतों के उत्ते भी चिंता की। दूजे पासे मुकेरियां के पिंड चक मीरपुर के नौजवान की अमेरिका तो मृतक देह वापस पहुंची। विवेक पटियाल इसे साल की शुरुआत पढ़ाई के लिए अमरीका गया थी। सड़क हादसे के उसकी जांच चली गई। परिवार ने दस्सिया कि 30 अक्टूबर को विवेक की मौत की खबर मिली थी। परिवार ने नम अखां दे नाल अपने बेटे को आखिरी विदाई दी। बटाला की कस्बा बटाला गंथियां दे विच प्रकाश पुरब को समर्पित सजाए गए नगर कीर्तन के वड्डा हादसा वापरिया। ट्राली च बैठे 21 साल के नौजवान ग्रंथी के बेटे की करंट लगन की वजह नाल मौत हो गई। बिक्रमजीत सिंह जो कि पालकी साहब की सेवा कर रहा है, प्रसाद वरता रहा है, उस तार नाल करंट का जबरदस्त झटका लग्या, जिस दे नाल उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उत्थे ट्राली दे विच बैठे कुछ होर लोगों भी झटका लग्या, पर उन्हां दा बचा रहा। फरीदाबाद दे विच नगर कीर्तन दौरान एक सेवादार की हार्ट अटैक आने नाल मौत हो गई। सेवादार गुरु ग्रंथ साहब जी ते रुमाला साहब चढ़ाउण दी सेवा निभा रहा सी, तां इसे दौरान उसनूं दिल का दौरा पै गया, ट्राली ते ही उसकी मौत हो गई। दस दिए कि गुरद्वारा श्री चंद साहब तो नगर कीर्तन सजाया गया सी ते भारत भूषण नाम दे सेवादार ने पालकी साहब की सेवा संभाली सी। नवांशहर दे विच ऑड मार्ग से एक बाइक की टक्कर दे नाल बाइक की ट्रक दे नाल टक्कर हो गई, जिस कारण बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई ते दूजे नूं सट्टां लगियां ने। ट्रक संगत नूं लैके वृंदावन जा रहा सी। पुलिस ने मौके पर पहुंच के ट्रक चालक नूं गिरफ्तार कर लिया। दस्सिया जा रहा है कि बाइक सवार नौजवान माछीवाड़ा तो मुकंदपुर किसी धार्मिक स्थान पर जा रहा। फरीदकोट के कस्बा कोटपुरा के 50 साल व्यक्ति का बेरहमी के कतल कर दिया गया। मृतक के साथी के वलों एक निर्माण अधीन इमारत के इस वारदात को अंजाम दिया गया। स्थानक वासियों ने दसाया कि कातल रवि कुमार रोजाना ही काफ़ी बहसबाजी करता है, हुण भी रौला पैणते जो उन्होंने बिल्डिंग जाके देखा तो खून के लथपथ व्यक्ति की लाश बरामद की। फाजिलका के पंजाब पुलिस का ASI 10,000 रुपए की रिश्वत लेंदे हुए रंगे हत्थी काबू किया गया। गिरफ्तार किया गया थानेदार मंडी लादुका दी चौकी का इंचार्ज है। शिकायतकर्ता ने कहा कि चौकी इंचार्ज ने झगड़े के झूठे केस के फसाने के नाम के उत्ते उस तो रिश्वत मंगी ते पहला भी 20,000 रुपए की रिश्वत लै चुका सी ते दोबारा 10,000 रुपए मंगन लग्या। विजिलेंस ने उसने शिकायत की थी, उस तो बाद ही कार्रवाई। उधर खन्ना के नेड़े पिंड सलौदी के सरपंच के पिंड के विकास कार्यां घोटाला ते नजायज माइनिंग के इल्जाम लगे ने। इल्जाम किसी होर ने नहीं बल्कि पंचायत के मैंबरों के वलों ही लगाए गए। इन्हां इल्जामां संबंधी शिकायत संबंधित विभाग को दी गई। शिकायत दे विच मंग कीती गई है कि सरपंच के खिलाफ जांच करवा के बण दी कार्रवाई की जाए। दूजे पासे समराला के SDM ने मामले संबंधी जल्द जांच का भरोसा भी दिता है। भवानी की डाबर कॉलोनी तो गोलीबारी का मामला सामने आया, जिथे दो बाइक्स के उत्ते सवार हो के आए बदमाशों ने एक शख्स के उत्ते फायरिंग कर दी। बदमाशों ने शख्स के उत्ते 8 से 10 गोलियां दागियां ते 3 गोलियां उसनूं लगियां, जिस कारण वह गंभीर जख्मी हो गया। उस तो बाद उसनूं फौरन PJ रोहतक रैफर कर दिया गया। हालांकि पुलिस के वलों शख्स के घर के बाहर सुरक्षा बधाई गई है, पर पूरी घटना लैके परिवार ने चुप वटी हुई। उधर मोबाइल स्नैचिंग दी लगातार मिल रही शिकायतों से कार्रवाई करते हुए जलंधर पुलिस ने 21 मोबाइल बरामद किए हैं। कमिश्नरेट पुलिस ने पुलिस की टैक्नीकल टीम की मदद के नाल यह मोबाइल बरामद किए गए ते शिकायतकर्तावां नूं वापस किए गए। DCP ने कहा कि काफ़ी देर तो इलाके झपटमारी दी वारदातां सामने आ रही सन, इसनूं सख्ती नाल नजिठिया जा रहा है ते लोगों नूं अपील है कि मोबाइल गुम होने ते फौरन कंट्रोल रूम नूं इतलाह दित्ती जाए। उधर प्रकाशपुरम नूं लैके हर पासे रौनकां नजर आईयां। थां थां ते जिथे नगर कीर्तन सजाए गए तां उत्थे वक्खो वक्खरे तरीके नाल सेवावां जिहड़ी संगत आ उह करदी नजर आई। चंडीगढ़ के सैक्टर 18 स्थित गुरुद्वारा साहब के सामने 501 किलो का केक कटिया गया। दस दिए कि हर साल संगत के वलों 500 किलो का केक कट के गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की खुशी मनाई जाए। उधर गुरुग्राम के चलती गड्डी में भयानक अग लग गई। इफको चौक के उत्ते गड्डी अग दे नाल पूरी तरह नुकसानी गई ते राहत की गल रही कि गड्डी च बैठे सारे लोग सुरक्षित समा रहिंदे बाहर आ गए। दस्सिया जा रहा है कि
चलती गड्डी नूं अग लगी ते चालक की सूझबूझ दे नाल वड्डा हादसा होण टल गया। मौके ते पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने गड्डी की अग दे उत्ते काबू पाया। उधर लुधियाना के गिल रोड नेड़े बोरिया के गोदाम के भयानक अग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने अग के उत्ते काबू पाया। हादसे के किसी तरह के जानी नुकसान तो बचा रहा। दसया जा रहा है कि पटाके की चिंगारी डिगण की वजह के अग लगी, जिस दे विच लखां रुपए का नुकसान हो गया। गोदाम के सारिया बोरिया सड़के सुआह हो। उधर हरियाणा के चरखी दादरी के गश्त कर रही पुलिस टीम से हमला कर दिया गया। दरअसल चांग रोड से गश्त के दौरान रोड के विचाले कुछ पिंड वासी हंगामा कर रहे सन, जिन्होंने पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पर बहस होने तो बाद बाइक से सवार कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। इस दौरान तीन पुलिस मुलाजम जख्मी भी हो। बॉलीवुड अदाकारा रणदीप हुड्डा ब्याह के बंधन बजन जा रहे हैं ते परसों यानी बुधवार को मणिपुर के इंफाल के ब्याह दी रस्मां होणगियां। हुण वाली पत्नी लिन लैशनाम नाल अदाकार अज इंफाल एयरपोर्ट पहुंचे। इंफाल के पुरातन रीति रिवाजा के नाल शुभ कार्ज होगा। रणदीप ने ब्याह की तरीक बारे ऐलान करते हुए कहा कि 29 नवंबर को मणिपुर के ब्याह से मुंबई से रिसेप्शन होगी।